इनेलो सुप्रीमो विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। एक बार फिर से जेजेपी समेत तमाम विरोधी दलों को निशाने पर लिया है। इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला इन दिनों पेरोल पर है। जगह जगह जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुटे हैं। इसके अलावा विपक्षियों पर हमला बरत रहे हैं। पंचकुला पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला ने जेजेपी को लेकर निशाना साधा और कहा कि जिनका चुनाव निशान ही जूता हो वो जूतम पहचान के चुनाव चिन्ह ही जूत है वो जूत इंतजार है रे सर एक ओम प्रकाश चौटाला यही नहीं रुके, सीएम को लेकर दिए बयान पर एक बार फिर से कायम नजर आए और कहा कि सीएम को नहीं सीएम की कार्यशैली को लेकर खट्टर कहा। मेरी बात अगर बुरी लगी तो सीएम व्यवस्था को सुधारे। मुख्यमंत्री जी ने शायद मेरी बात का बुरा माना हो तो मुख्यमंत्री जी को जो मैंने कही है अगर वो मेरी कही हुई ठीक लगती है तो उसको सुधारने का काम करें। हम दुधारू पशु जो पालते हैं दूध पशु जब दूध देने से जवाब दे जाए या नए सिरे से उसकी उत्पत्ति ना हो, खेत में काम करने वाले पशु भी अगर नाकारा हो जाए तो फिर अब सड़कों पे आवारा पशु बहुत फिरते हैं, हम उनको खट्टर कहते हैं कि नहीं कहते। दिलचस्प ये भी रहा कि एक बार फिर से ओम प्रकाश चौटाला ने रोहतक के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ की और कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जैसे शरीफ और मिलनसार लड़के को बाहर के आदमी ने हरा दिया। मैंने जो प्रत्यक्ष रूप में देखा है कि वो लड़का मेहनती भी है, सोशल भी है, लोगों के बीच में जाता रहता है, काम हो या ना हो लेकिन लोगों का मन जीतने में वो सफलता प्राप्त करता है। अब ऐसे लड़के को एक ऐसे व्यक्ति ने जाके चुनाव में हरा दिया जिसका कोई जन आधार नहीं है, जो इस जिले का नहीं है, इस प्रदेश का नहीं है। विरोधियों पर निशाने के अलावा ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता अच्छे उम्मीदवार का खुद चयन करें, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ तो मैं झोली फैलाकर लोगों से भीख मांगूंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, उम्मीदवार को जिताने का काम करूंगा। बहरहाल ओम प्रकाश चौटाला जब से बाहर के कार्यकर्ताओं के बीच है सभी विरोधी पार्टियों पर हमला बरते हैं, लेकिन इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में कितनी जान को फूंक पाती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।